कुछ लोग समझते हैं कि यह बेपर्दगी ये तरक्की है ये मॉडर्निज्म है ऐसा नहीं है यह जहालत थी काबतुल्ला का तवाफ बरहना किया जाता था तो बरहनगी यह जिद्दत नहीं है यह कदामत है यह तरक्की नहीं है यह जहालत है इससे इस्लाम ने निकाला है और परदे की तरफ इस्लाम इंसानियत को लेकर के आया है काना रसूल सल्लाम हयान मिन अजराफी खिद कमवारी लड़की पर्दे में लिपटी हुई जिस तरह हयादार होती है उससे भी ज़्यादा हयादार थे तो ये हमारा दिन है लेकिन मगरब और कुवतें जानती हैं कि पर्दा इस्लाम का शियार है और उन्होंने पहले इसको कमज़ोर इस तरह किया जिस तरह एक रिवाज किसी ने कहा बस बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर बैठ के नाम नहाद मफक्न कहते हैं ये अरब कल्चर था अरब कल्चर तो ब्रहनगी था अरब कल्चर तो बरहना तवाफ़ करने का था घरों पे झंडे बदकार ख़वान के छतों के ऊपर अरब में लगते थे तो ये पर्दे का तस्वर कल्चर नहीं है बल्कि ये सुन्नत ज़हरा सलामल हाँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हर दिन की कोई अलग शनाख्त होती है अलग पहचान होती है हर दिन का एक अलग निशान होता है तो इस्लाम की वो ख़ास चीज़ वो ख़ास निशान ख़ास पहचान पर्दा है हया है और अगर हया चला जाए तो फिर दीन भी चला जाता है एक रिवायत में फुमाएँ हया और ईमान दो आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं इनमें से एक चला जाएगा पीछे पीछे दूसरी शाबी चली जाएगी तो लादीनी कुतें इस बात को जानती हैं कि अगर हयात छीन लेंगे तो ईमान उसके पीछे पीछे उस रास्ते से जो हया के छीनने से बनेगा तो उन्हीं कदमों पर ईमान भी रुखत होता चला जाएगा तो लिहाजा इनको ये कहो कि तुम तर्क ईमान करो तो ये तो कभी राज़ी नहीं होंगे तो इसलिए इन्हें परदे का तर्क करवाया जाए इन्हें हया के जौहर से महरूम किया जाए ताकि ये ईमान के जौहर से भी महरूम हो जाए तो फिर उन्होंने कई रंग तराशे कभी कहा कि नज़र का पर्दा है कभी कहा कि पर्दा तो इंसान के दिल में होता है तो मुझे बताओ आज का शख्स जो शहावतों से लुथड़ा हुआ है जहाँ शहवात की गंदी हवाएं चल रही हैं इस माहौल के अंदर अगर कोई ये बात कहे तो कितनी अजीब है जिस माहौल में तकद्दस की बात शबा चलती थी और वही उतरती थी और जिब्रील को वही लेकर के आते सिा ने देखा था और कुरान उतरता था और कुरान पढ़ाने वाले सिखाने वाले खुद साहब कुरान थे वो सिबा उनको जब पर्दे का हुक्म दिया गया और उनको नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया तो मैं और आप कौन होते हैं जब अबू बकर उमर को कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना जब स्मानो अली से कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना जब सैद आयशा हज़रत उम सलमा हजरत मैमूना हज़रत जैनब सैदा फातिमा तो जहरा से कहा गया कि तुम अपने पर्दे की हिफाजत करना तो मुझे बताइए उस तकदस माहौल के अंदर भी जब पर्दा करने के लिए मोमिनों की माओ को हुक्म दिया गया और अबू बकर उमर उस्मान अली अशरा मुबशरा जिनकी जन्नत की ज़मानत भी रसूलुल्लाह ने दी है तो जब उनको भी कहा गया कि निगाहों को नीचा रखना तो मैं और आप किस शुमार में हैं तो ये एक नफ्स की कहानी है जो हम घर के बैठ के कहा कोई बात नहीं जी पर्दा तो दिल का होता है बहालतें मजबूरी खवातन को घर से निकलना पड़ता है लेकिन उसमें भी उसको ताकीद की गई कि तेरा पर्दा किसी सूरत के अंदर भी ख़त्म नहीं होना चाहिए मैं खराज पेश करना चाहता था यहाँ हमारी हमसायगी के अंदर उस खातून को जिसने अल्ला अकबर का नारा लगा करके बतलाया कि ये उम्मत अभी भांज नहीं हुई इस उम्मत में आज भी बेटियाँ मौजूद हैं जो अपनी आबरू पर पहरा दे सकती हैं और ये हालात बताते हैं कि ये उम्मत मरने के लिए नहीं क्यामत तक कायम रहने के लिए पैदा हुई है इन इस दबी हुई राख में चंगारियाँ मौजूद हैं जो वक्त आया तो शोला जवाला भी बन जाएंगी इन शजीज़ इकबाल ने एक बात कही थी अगर पंदे दुरवेश पजीरी हज़ार उम्मत बमी तू न मीरी बतुल बाश व पिनहा शो असर के दर आगोश शबीर बगीरी इकबाल कहता है इस फ़कीर की एक बात मान लें सारी उमतें मर जाएँगी उम्मत मुसलिमा तुझे जवाल नहीं आएगा और वो क्या बाश, बतूल बाश बतुल बन जा और ज़माने की नज़रों से पोशीदा हो जा फिर तेरी आगोश में भी हुसैन इबन अली जैसे बेटे जन्म लिया करेंगे उनके जानशीन तेरी गोद में भी पैदा होंगे तो इसलिए पर्दा हमारी शनाख्त है आज जो कहती हैं जनाब पर्दा पर्दा ये क्या है ये तो कुठ मुल्ला की असला है कुछ बोलती है जनाब ये दकिया नूसीत है कोई कहती है ये जमाने कदीम की कहानियाँ हैं जब कबर में उतरेंगे तो उस वक्त मर्द के लिए तीन चादरें औरत के लिए इस्लाम ने फिर भी पाँच चादरें रखी हैं उस वक्त उसका कफन भी अलग रखा है इसलिए कि वो पर्दे की चीज़ है तो क्या कोई औरत कहती है कि मुझे स्कर्ट में दफन कर दिया जाए मैं बेपर्दा कबर में जाना चाहती हूँ उस वक्त तो सब कहते हैं तनिया भी बांध दी जाएं। उस वक़्त महरम करीब आ जाए जो लाद में उतारें तो अगर ज़िंदगी के बाद भी पर्दे में लिपट के जाना है तो सारी ज़िंदगी सैयदा फ़ातिमा की गुलामी में बसर कर दिए जाएँ उनकी कनीज़ बन के ज़िंदगी गुजार